आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सैमसंग के एक अपकमिंग स्मार्टफोन के बारे में जो कि होने वाली है सैमसंग की एम सीरीज़। यहाँ पर सैमसंग की एम सीरीज़ के ऊपर मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी जहाँ पर मैंने आपको इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में बताया था, बट आज की इस वीडियो में हम स्पेसिफिकेशन के जो कुछ ऑलमोस्ट कन्फर्म स्पेसिफिकेशन है जो ओली कुकर का है उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर सैमसंग की M20 की जो है लाइव फोटो लीक होकर का ये जिसको मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। सो यहाँ पर सैमसंग की जो एम सीरीज़ होगी वहाँ पर आपको इन्फिनिटी यू डिस्प्ले होगी, आप कह सकते हैं वाटर ड्रॉप नॉच देखने को मिल जाएगी। सो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का डिज़ाइन देखने को मिलेगा आपको एम सीरीज़ में। फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर फ्रंट में ड्रॉप नॉच डिस्प्ले देखने को मिली है, फिर आप कह सकते हैं इन्फिनिटी वी डिस्प्ले, और बैक में आपको जो है ड्यूल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा विद फिंगरप्रिंट स्कैनर, यानी कि आपको यहाँ पर बैक में ही फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलेगा ना कि साइड में, और डिस्प्ले में तो ऑफकोर्स होने नहीं वाला क्योंकि एक बजट स्मार्टफोन होने वाला है। इसके अलावा यहाँ पर जो सैमसंग की M10 है वहाँ पर उसकी रिटेल बॉक्स के साथ में उसकी लाइव पिक लीक होकर आई है जिसको मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। सो आप यहाँ पर आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, यह सैमसंग का M10 है, इसका बॉक्स है, उसके बराबर में इसका हैंडसेट है, इसकी लाइव ऑन हैंड पिक लीक होकर आई है। इसके अलावा यहाँ पर जो इनके स्पेसिफिकेशन लीक होकर आए हैं उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। तो यहाँ पर यह डिवाइस जो है आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉयड 8.1 के साथ में मिलेंगी, यानी कि एंड्रॉयड ओरियो का लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम आपको उसके अंदर देखने को मिल जाएगा, बट फिगर की बात नहीं है। यहाँ पर सैमसंग FOT अपडेट के थ्रू जो है इसको एंड्रॉयड 5 के साथ में अपडेट कर देगा। यहाँ पर इसके कैमरा लीक होकर आए हैं, बात करते हैं M10 के बारे में, तो आपको जो है 13 मेगापिक्सल का मैन कैमरा शूटर देखने को मिल जाएगा, जबकि जो 5 मेगापिक्सल का सेकेंडरी कैमरा है वो सिर्फ टैप सेंस करने के लिए, डेप्थ मेजर करने के लिए यूज आएगा, यानी कि ब्लर वगैरह करने के लिए आप कह सकते हैं पोर्ट्रेट मोड पोर्ट्रेट शॉट्स कैप्चर करने के काम आएगा। इसके अलावा यहाँ पर बात करते हैं इसकी बैटरी की कैपेसिटी की, तो यहाँ पर 3400 यानी कि ऑलमोस्ट 3400 mAh की बैटरी आपको इसमें देखने को मिल जाएगी, जबकि जो M20 और M30 होगा उनमें आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी। इससे पहले हमें जो है अभी तक सैमसंग के A9 Pro में ही जो है 5000 mAh की बैटरी देखने को मिली थी। और फ्रेंड्स यहाँ पर बात करते हैं हम प्रोसेसर के बारे में, तो सबसे पहले बात करेंगे सैमसंग के M10 के बारे में। यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपको एक्जिनोस 7870 देखने को मिल जाएगा जो कि J7 2016 से चल रहा है, बट यहाँ पर सैमसंग ने इस प्रोसेसर में काफ़ी कुछ चेंजेस करे हैं। यहाँ पर आपको जो है इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी, और पर्सनली मेरे पास जो सैमसंग का J6 है उसमें काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस अगर मैं कंपेयर करता हूँ अपने J7 प्राइम से या फिर सैमसंग के ऑन नेक्स्ट है, इवन जो सैमसंग का J7 Max है उससे भी कई गुना ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस देखने को मिलती है मुझे सैमसंग के J6 Infinity में। तो हम प्रोसेसर के मामले में कह सकते हैं कि आपको एक अच्छा प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा सैमसंग के M10। और फ्रेंड्स यहाँ पर सैमसंग का M20 और M30 इसका प्रोसेसर के बारे में मतलब कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है आपको कौन सा प्रोसेसर देखने को मिलेगा, बट हाँ जैसे कि एक बजट स्मार्टफोन है तो फिर यहाँ पर आपको जो है ज़्यादा हाई परफॉर्मेंस वाला प्रोसेसर देखने को नहीं मिलेगा। तो देखते हैं, हो सकता है यहाँ पर भी आपको जो है एक्सिनोस 7885 देखने को मिल जाए जो कि सैमसंग के J7 Duo या फिर आप कह सकते हैं सैमसंग के A6 Plus में हमें देखने को मिला था। इसके अलावा बात करते हैं यहाँ पर इंटरनल स्टोरेज और रैम की, तो यहाँ पर आपको M10 में जो है 2 वेरियंट्स देखने को मिलेंगे, 32 GB इंटरनल स्टोरेज और 16 GB इंटरनल स्टोरेज, दोनों ही यहाँ पर जो है आपको 3 GB रैम के साथ में देखने को मिल जाएगा, जबकि एक रूमर और ये भी आ रहा है कि जो 16 GB का इंटरनल स्टोरेज वाला वेरिएंट होगा वो आपको जो है 2 GB रैम के साथ में देखने को मिलेगा, बट जब अब जनवरी में सैमसंग बताया जा रहा है कि इनको रिलीज़ किया जाएगा तो यहाँ पर हमें पता चली जाएगा कि इसमें जो आपको कौन से वेरियंट देखने को मिलते हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं प्राइस रेंज के बारे में, तो ये जो सैमसंग का M10 होगा ये 10,000 के आसपास प्राइस रेंज में होगा, और यहाँ पर जो सैमसंग का M20 है वो अंडर 15,000 प्राइस रेंज के अंदर होगा, और जो सैमसंग का M30 है वो अंडर 7,000 की प्राइस रेंज में आपको देखने को मिलेगा। तो इस बार मुझे लगता है जिस प्राइस रेंज में सैमसंग इसको लॉन्च करने वाला है वो काफ़ी अफोर्डेबल होने वाली है, और वैल्यू फॉर मनी है जो कि आपको इसके अंदर वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले देखने को मिली या फिर हम कह सकते हैं इन्फिनिटी वी डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी। तो बाकी आप क्या सोचते हैं इसके बारे में मुझे जरूर बताना नीचे कमेंट, क्या आप इस प्राइस रेंज में सैमसंग की एम सीरीज़ के स्मार्टफोन को लेना पसंद करेंगे? मैं तो भाई डेफिनेटली लेना पसंद करूँगा। और यहाँ पर एक चीज़ और बताना चाहूँगा जो यानी कि बताया जा रहा है कि एंड्रॉयड 8.1 के साथ में आपको आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलेगा, पिक्चर लीक होकर का ये है वो हमें सैमसंग वन UI के साथ में देखने को मिली, आप यहाँ पर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हो सकता है सैमसंग का M10 एंड्रॉयड 8.1 के साथ में रिलीज हो और सैमसंग का M20 और M30 जो है एंड्रॉयड 5 के साथ में रिलीज़ किया जाए। बाय द वे भी इसके लिए रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, जैसे इसके रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है या कोई भी कन्फर्मेशन आती है आपको हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएगी।
तो बात करते हैं यहाँ पर हम लॉन्च डेट के बारे में। बताया जा रहा है कि जनवरी 2018 2019 चल गया यार, तो 2019 में जो है ये लॉन्च हो जाएगा, यानी कि इस महीने की 30 तारीख को देखते हैं क्या होता है। जैसे ही इसके रिगार्डिंग में कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है आपको पता चल जाएगा हमारे चैनल पर। तो यही था आज के इस वीडियो में, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो चली तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे किसी ऐसी अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। सो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।